Find the equation of a line that cut off equal intercept on the coordinate axis and passes through the point which is 2 comma 3. So let's see how we are going to solve this problem. So pehle main question ke part ko thoda sa explain karta hu aapko. Ek line aapko de rakhi hai, theek hai? Aur ek line jo aapko line given hai wo ek condition maintain kar rahi hai ki wo x axis aur y axis pe equally intercept generate kar rahi hai. Matlab आप ऐसा बोल सकते हैं कि लेट दिस इज ओरिजन और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट अगर बी है देन ओए इज इक्वल टू ओबी. दैट इज अ गिवन इन द क्वेश्चन. दूसरी कंडीशन जो क्वेश्चन में गिवन है वो ये है कि ये जो लाइन है ये पास करती है 2, 3 से और इन द क्वेश्चन ही वाज आस्किंग कि फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन. तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं कंसेप्ट की. जो कंसेप्ट इस क्वेश्चन में हमें रिक्वायर्ड होगा इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. देखिए अगर आपके पास कोई एक लाइन है वो अगर एक्स एक्सिस पे ए यूनिट कट कर रही है और वाई एक्सिस पे बी यूनिट कट कर रही है, तो अगर ए यूनिट कट कर रही है तो इसका कोऑर्डिनेट होगा ए कॉमा जीरो और इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास होगा 0, b के. देन द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन इज एक्स अपॉन ए प्लस की वाई अपॉन बी एंड दिस इज इक्वल टू 1. ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन है. अब अगर मैं इसको a कॉमा जीरो लेट कर लूं और इसको मैं 0, b लेट कर लूं तो इन द क्वेश्चन इट इज प्रोवाइडेड दैट a इज इक्वल टू b. a की वैल्यू b के बराबर है, ठीक है. अच्छा इस लाइन का इक्वेशन हमारे पास क्या होगा? लाइन का इक्वेशन होगा x अपॉन a प्लस की y अपॉन b एंड दिस इज इक्वल टू 1. बट बिकॉज b इज इक्वल टू a तो आप इसे लिख सकते हैं x अपॉन a प्लस y अपॉन a एंड दिस इज इक्वल टू 1 और यू कैन से दैट इज x प्लस y इज इक्वल टू a के. अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में ऑलरेडी एक ये कंडीशन भी गिवन है कि ये जो लाइन है ये पास करती है 2, 3 से. अगर ये लाइन 2, 3 से पास कर रही है तो 2, 3 जो पॉइंट है वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा. मतलब आप लिख सकते हैं 2, 3 इज इक्वल टू ए और वी कैन से ए इज इक्वल टू 5. सो फाइनली वी हैव गॉट द इक्वेशन एंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 which is the answer for the given problem.